आज आलोक सिंह और नोएडा सुजीत पांडे लखनऊ कश्मीर का पदभार संभालेंगे। तो पुलिस कमिश्नर का जो सिस्टम है वो लागू होने जा रहा है। तो योगी कैबिनेट बैठक ने लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मोहर लगाई है। इसके बाद लखनऊ और नोएडा में दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर पुलिस कमिश्नरों की तैनाती होगी। सूत्रों की माने तो पुलिस विभाग में कमिश्नरी प्रणाली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां अंतिम दौर में है। लगातार इस कवायद में योगी सरकार जुटी हुई थी और अब सरकार की तैयारियां पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर अंतिम दौर में। आलोक सिंह नोएडा के तो सुजीत पांडे लखनऊ के पहले कमिश्नर होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है और अब अंतिम दौर में सरकार की तैयारियां सिस्टम को लेकर। तो देर रात ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, तो बता दें कि सुजीत पांडे लखनऊ के पहले कमिश्नर होंगे। योगी कैबिनेट बैठक में कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मोहर लगी है। तो नोएडा लखनऊ में आज से कमिश्नरी राज जो है वो देखने को मिलेगा। तो अपने अंतिम दौर की तैयारियों में तो सुजीत पांडे लखनऊ के कमिश्नर बनाए जाएंगे। तो लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम आज से लागू होने जा रहा है। आलोक सिंह नोएडा के पहले कमिश्नर होंगे। तो योगी कैबिनेट बैठक में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर मोहर लगी है और अब कमिश्नरी सिस्टम जो है वो लागू होने जा रहा है। तो बता दें कि लखनऊ कमिश्नर का पदभार संभालेंगे सुजीत पांडे। तो आज आलोक सिंह नोएडा और सुजीत पांडे लखनऊ कमिश्नर का पदभार संभालेंगे और आज से लखनऊ नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने जा रहा है। तो कानून व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त करना है इसको लेकर योगी सरकार कवायदों में जुटी हुई है और उसी लिहाज से ये एक बड़ा कदम यहां पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने की ओर। आज से कमिश्नरी सिस्टम जो है लखनऊ और नोएडा में देखने को मिलेगा। जहां नोएडा में आलोक सिंह इस जिम्मेदारी को संभालेंगे तो वहीं सुजीत पांडे लखनऊ कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक ने लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मोहर लगाई है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश नारायण फोन लाइन पर जुड़ गए। गिरीश, नोएडा लखनऊ में आज से कमिश्नर राज। जी निश्चित तौर पर जो योगी सरकार का एक ये अनोखा कदम है जिससे जो बड़े शहर हैं वहां पर अपराधों को रोका जा सके, काफी पुलिस फोर्स लगाई जा सके, उसको लेकर शुरुआत की गई है। और लखनऊ और नोएडा में आज से कमिश्नरी शुरू की गई है। बिल्कुल, और गिरीश लगा दिल्ली की तर्ज पर इस तरह का कदम योगी सरकार की तरफ से यूपी में उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कदम के जरिए एक बेहतरी की और कानून व्यवस्था को ले जाने का। जी निश्चित तौर पर जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो उनका साफ कहना था कि जो बड़े शहर हैं जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर इस जो लोगों को सुरक्षा देने की उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको लेकर ये एक अनोखा प्रयोग किया गया है जो फिलहाल दो शहरों में इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो आज से ही लखनऊ और नोएडा में जो कमिश्नर हैं, जो नए कमिश्नर हैं, वो अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। और बिल्कुल गिरीश, ये तो लखनऊ नोएडा की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर आगे भी इसी तरह से कवायद जो है वो लगातार जारी रहेगी कमिश्नरी राज को लेकर। और ये माना जा रहा है कि आज से जिस तरह से नोएडा और लखनऊ में इसकी शुरुआत सिस्टम की होने जा रही है, बाकी जगहों पर भी इसी तरह से कमिश्नरी राज देखने को मिलेगा और तैयारियां एकदम अपने अंतिम दौर में। निश्चित तौर पर जैसे ही इन दोनों शहरों में कमिश्नरी की घोषणा हुई थी उसके बाद साफ कर दिया था कि जो और बड़े शहर हैं जैसे गाजियाबाद है, कानपुर है, जो जिनकी आबादी ज्यादा है, जहां पर और ज्यादा फोर्स की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, तो वहां भी कमिश्नरी जल्द लागू की जाएगी। फिलहाल ये जो प्रयोग के तौर पे इन दो शहरों को चुना है, यहाँ पे कितना सफल हो पाता कमिश्नरी का, उसके बाद फिर इन कमिश्नरी को और ज्यादा शहरों में भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव लखनऊ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज से लखनऊ नोएडा में कमिश्नरी राज जो है वो होने जा रहा है, सुजीत पांडे लखनऊ में संभालेंगे ये जिम्मेदारी। बिल्कुल, आज दोनों जिलों में पुलिस आयुक्त की तैनाती की जाएगी जिसको लेकर प्रदेश सरकार कई दिनों से तैयारी कर रही थी और एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए माना जाएगा। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो कदम उठाने होंगे उठाया जाएगा लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। और पिछली कई सरकारों ने इसको लटका के रखा था, रोक के रखा था, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था पहले लागू हो जानी चाहिए थी
जिसको हमने लागू किया है। अभी तो कहा जा रहा है प्रयोग के तौर पर, लेकिन इसको प्रयोग के तौर पर न माना जाए, इसको शुरुआत कही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन दो जिलों में शुरुआत के बाद उसके बाद जो 10 लाख की ज्यादा के आबादी के शहर हैं, महानगर हैं, वहां पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की जाएगी। आज दोनों जिलों में पुलिस आयुक्त की तैनाती की जाएगी। सुजीत पांडे लखनऊ में तैनात होंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आलोक कुमार सिंह नोएडा में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ आज ज्वाइनिंग की जाएगी और उसके बाद ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। जो मजिस्ट्रेटी पावर बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।